नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में मिला एक और कोरोना मरीज। जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। अड़भार के स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। इस क्वारंटाइन सेंटर में ये मरीज रह रहा था। कोरोना पॉजिटिव मरीज को जांजगीर में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली से 5 दिन पहले ही ये मजदूर जांजगीर आया था। सक्ती एसडीएम डॉक्टर सुभाष राज ने नए मामले की पुष्टि की है। वरिष्ठ विधायक राम पुकार सिंह की तबीयत बिगड़ी। मुख्यमंत्री ने की स्वास्थ्य लाभ की कामना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राम पुकार सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। विधायक राम पुकार सिंह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलते ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने राम पुकार सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कोरोना का इलाज आयुष्मान पैकेज में प्राइवेट अस्पतालों में होगा मुफ्त। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में बिस्तर फुल होते जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को अधिग्रहित करने के बाद उसे संचालित करना मुश्किल है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास स्टाफ नहीं है। इसलिए अब प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज की छूट देने का फैसला किया गया है। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च स्वास्थ्य विभाग उठाएगा। इसके लिए कोरोना का इलाज आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर प्रति बिस्तर पैकेज दिया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने एलएसी पर शहीद कांकेर के जवान को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल ने एलएसी पर शहीद कांकेर जिले का एक जवान गणेश कुंजाम को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कांकेर जिले से चारमा ब्लॉक का जवान भी चीन विवाद में शहीद हुआ है। कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 2003 लोगों की मौत। 10,974 नए मामले बढ़े। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3.5 लाख के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 3,54,065 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 11,903 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,86,000 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 11,903 नए मामले सामने आए हैं और 2,003 लोगों की मौत हुई है। भारतीय व्यापारियों ने चाइनीज सामानों का बायकॉट करने का लिया फैसला। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब भारतीय जनता ने उसे उसी की भाषा में सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। व्यापारियों के बड़े संगठन भारतीय व्यापारी संघ ने भारत चीन के बीच चल रहे विवाद के बीच चीन को तगड़ा सबक सिखाने का फैसला लिया है। इन व्यापारियों ने चीन से आने वाले कॉस्मेटिक, बैग, खिलौने, फर्नीचर, जूते चप्पल, मोबाइल समेत ऐसे कई 500 सामानों की लिस्ट तैयार की है, जो अब भारतीय व्यापारी चीन से नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, अब भारतीय व्यापारियों ने चीनी सामानों का पूर्णतः बायकॉट भी करने का फैसला लिया है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री इस मामले को क्यों छिपा रहे हैं, अब बहुत हो चुका, हमें पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था। भारत चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? इस मामले को वे छिपा क्यों रहे हैं, अब बहुत हो चुका, हमें पता चलना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारे सैनिकों को मारने और हमारी जमीन पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। पीएम मोदी ने चीन सीमा पर तनाव को लेकर 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जारी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे सभी दलों के प्रमुख वर्चुअल बैठक के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे। विपक्ष की ओर से लगातार इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही थी। मौत के बाद पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पुलिस को दिया बयान। इंडस्ट्री को लेकर किया बड़ा खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस को हाल ही में अपना बयान दिया है।
अपने इस बयान में उन्होंने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात की जानकारी होने से इनकार किया है। अब तक इंडस्ट्री के जो कुछ लोग कह रहे थे, उनकी मौत के बाद पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने भी पुलिस को बताया कि सुशांत इंडस्ट्री में बन रहे हालातों से परेशान थे और ये बात खुद उन्हें सुशांत ने बताई थी। शहीदों को खेल जगत ने दी श्रद्धांजलि। कोहली ने कहा, कोई भी सैनिकों से ज्यादा निस्वार्थ और बहादुर नहीं है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गालवान घाटी में सोमवार रात हुई हिंसक झड़प में 22 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 4 घायल जवानों की हालत गंभीर है। इस पर दुख जताते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और रेसलर बजरंग पुनिया समेत खेल जगत के कई दिग्गजों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, गालवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को सैल्यूट। कोई भी सैनिकों से ज्यादा निस्वार्थ और बहादुर नहीं है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।